Good morning, students. Today we are going to learn the chapter number 18, punctuation. See, children, in the previous chapter we learned that sentences can be questions or statements. See, when sentences are मतलब sentences questions भी हो सकते हैं या फिर statements भी हो सकते हैं. Now let us learn about those things that help to make a sentences. These are capital letters, full stops and question marks. देखो हमें सेंटेंस राइट सेंटेंस बनाना है उसके लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने हैं. पंक्चुएशन मार्क्स क्या है ये हम अभी इस लेसन में पढ़ेंगे. नाउ सी हियर, रिमेंबर वी यूज कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. हम सभी ने देखा है कि सेंटेंस जो शुरू होता है वो कैपिटल लेटर्स से ही स्टार्ट होता है. ओके, नाउ व्हेन वी राइट मेनी सेंटेंसेस टुगेदर मीन्स कैपिटल लेटर हेल्प्स अस टू फाइंड आउट व्हेन वन सेंटेंस एंड्स एंड व्हेन अ न्यू वन बिगिंस. मतलब जैसे हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो या कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंस एक साथ होते हैं लेकिन वो सेंटेंस कब खत्म होता है कब स्टार्ट होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फुल स्टॉप मीन्स सॉरी पहले कैपिटल लेटर से वो सेंटेंस स्टार्ट होता है और वो एंड होता है फुल स्टॉप से या फिर क्वेश्चन मार्क से और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है. ओके, तब हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस खत्म हो गया है और न्यू सेंटेंस शुरू हुआ है. नाउ सी हियर, हियर इज सम स्टोरी, हियर इज अ स्टोरी. पुट अ टिक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू सेंटेंस. अभी हमने क्या करना है, उस सेंटेंस जो न्यू स्टार्ट हुआ है वहां पे टिक करना है, मतलब हमें पता चलेगा कितने सेंटेंसेस हैं उसमें. सी, वंस देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन अ स्मॉल टाउन. ओके, दिस इज वन सेंटेंस. नाउ न्यू सेंटेंस इज स्टार्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है. ही ऑलवेज कैरीड अ लाइटर लैम्प इन हिज हैंड व्हेनेवर ही वेंट आउट एट नाइट. मतलब यहां से सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. ही ऑलवेज कैरीड अ लाइटेड लैम्प इन हिज हैंड व्हेनेवर ही वेंट आउट एट नाइट. यर दिस सेंटेंस इज स्टॉप. देन अगेन न्यू सेंटेंस स्टार्ट. वन डार्क नाइट ही वॉज गोइंग विथ हिज लाइटेड लैम्प इन हिज हैंड. नाउ यर द सेंटेंस इज स्टॉप. अगेन न्यू सेंटेंस स्टार्ट. अ ग्रुप ऑफ मैन वर पासिंग दैट वे. Full stop. Here the sentence is stop. They saw the blind man and made fun of him because he was blind. Here is यहाँ पे sentence नहीं खत्म हुआ है, यहाँ पे सिर्फ full stop है और sentence continue है. Okay, दो sentence एक साथ है. But was carrying a lighted lamp. How could he see anything? अभी यहाँ पे क्वेश्चन है. हाउ कुड ही सी एनीथिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में. द ब्लाइंड मैन सेड दैट द लैम्प वॉज नॉट फॉर मी फॉर हिम. यहाँ पे स्टॉप हुआ है. अगेन न्यू सेंटेंस स्टार्ट हुआ है. इट वॉज टू हेल्प अदर पीपल टू सी देयर वे इन द डार्क. नाउ हियर इज द स्टोरी एंड. ओके, वॉज देयर एनीथिंग एल्स इन द स्टोरी दैट हेल्प यू टू नो दैट द सेंटेंस has ended. देखो यहाँ पे स्टोरी में हमने मतलब वो सेंटेंस कहाँ खत्म हुए, कहाँ से न्यू सेंटेंस स्टार्ट हुआ, किस चीज ने तुम्हें हेल्प की. यस, फर्स्ट थिंग इज कैपिटल लेटर और सेकेंड थिंग इज फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क से एंड होता है वो सेंटेंस. ओके, इन दोनों चीजों ने हमें हेल्प की है. ओके, नाउ सी हियर, was there anything else in the story that helped you to know how that the sentence has ended? Question mark. मतलब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी चीजों ने तुम्हें हेल्प की ये समझने के लिए कि वो जो सेंटेंसेस है वो शुरू हुए वो खत्म हुए. Yes, it was the full stop. When we put a full stop, we say that one sentence has ended. When we want to ask a question, we put a question mark at the end of the sentence. See children, जब स्टेटमेंट होता है तब सेंटेंस तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो स्टेटमेंट हो, लेकिन एंड हो
अगर स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप से एंड होता है, और अगर वो क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मार्क से फुल एंड होता है. ओके यर रिमेंबर ऑल स्टेटमेंट्स एंड विद अ फुल स्टॉप एंड ऑल क्वेश्चंस विद अ क्वेश्चन मार्क. सी ऑल स्टेटमेंट्स एंड विद अ फुल स्टॉप एंड ऑल क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. नाउ हियर इज दिस एक्सरसाइज ऑन द पेज नंबर 97. Put a full stop or a question mark at the end of each sentences. First question, first sentence is where are you going? This is a question. तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे क्या आया? Question mark. I am going to the market. This is a sentence statement. यहाँ पे full stop आया. Third, I want to buy some fruits. Full stop. क्योंकि ये एक statement है. कि मुझे फ्रूट्स लाने के लिए जाना है. ओके नाउ फोर्थ, विल यू बाय सम एप्पल्स फॉर मी? विल यू, ये एक क्वेश्चन है. यहां पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. ओके विल यू बाय सम एप्पल्स फॉर मी? क्योंकि विल जो है वो पहले आया है तो उसे क्वेश्चन ही बोला जाता है. ओके क्योंकि उसने पूछा है क्या तुम कुछ मेरे लिए कुछ एप्पल्स खरीद के ला सकते हो या फिर ला सकते हो ऐसे. ओके खरीद के ला सकते हो. यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क. नाउ सी द फिफ्थ वन. श्योर हाउ मेनी डू यू वांट? यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. उसने भी फिर से पलट के क्या पूछा है कि जरूर लाऊंगा लेकिन तुम्हें कितने चाहिए? ओके हाउ मेनी डू यू वांट? तो यहाँ पे क्या आया? क्वेश्चन. Now, six, please get me six apples. उसने क्या बोला है? Please get me six apples. ये क्या है? स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे फुल स्टॉप है. ओके नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज सी. नाउ सी चिल्ड्रन एक्सरसाइज नंबर सी. री राइट दी सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स. Full stop and question marks. Okay. Now see here. Some sentences are given. We have to write properly that sentences with the punctuation. See, how are you? How are you? ये तो सिर्फ words ही हैं. क्या ये correct sentence है? No. Start with capital letter. How are you? And ends with a question mark because this is the question. Okay, how are you? Here, I am fine. I जो होता है सिर्फ first letter है इसलिए वो capital है. ऐसा नहीं है I हम खुद को बोलते हैं तब भी हम चाहे वो बीच में आए तो वो capital ही आता है. I am fine. This is a statement and यहाँ पे full stop. Now this is my sister. This is statement. This is my sister. Capital letter से start हुआ है and ends with the full stop. ओके हाउ ओल्ड इज शी? ये क्वेश्चन. हाउ ओल्ड इज शी? क्वेश्चन मार्क्स लगाया है एंड. ओके एंड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. नाउ सी द फिफ्थ सेंटेंस. शी इज सिक्स इयर्स ओल्ड. शी इज सिक्स इयर्स ओल्ड. दिस इज द स्टेटमेंट इसीलिए वो एंड हुआ है फुल स्टॉप से. वी लिव इन कैनेडा. ओके We live in Kerala. ये statement है. लेकिन Kerala is a state. चाहे कोई भी place हो उसका अगर नाम हो तो वो start होता है capital letter से. Okay? चाहे कोई person हो कोई place हो. Okay? उसका जो नाम होता है वो capital letter से ही start होता है. So we live in Kerala. Which school do you go to? Which school do you go to? तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. ओके क्योंकि ये क्वेश्चन है. विच स्कूल डू यू गो टू? नाउ सी वी गो टू चॉइस पब्लिक स्कूल. वी गो टू चॉइस पब्लिक स्कूल. तो ये स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से. वी गो टू चॉइस पब्लिक स्कूल. लेकिन चॉइस पब्लिक स्कूल ये किसी स्कूल का नाम है तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा चॉइस पब्लिक स्कूल एंड इट्स विद अ फुल स्टॉप. नाउ हु इज योर क्लास टीचर? Who is your class teacher? ये क्वेश्चन है. स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन.
क्वेश्चन मार्क. ओके, तो ये क्वेश्चन है, हु इज योर क्लास टीचर. नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स. नाउ सी द सेंटेंस 10. माय क्लास टीचर इज मिस यामिनी. मेरी क्लास टीचर का नाम क्या है? मिस यामिनी. सो माय क्लास टीचर इज मिस यामिनी. ओके, ये हम किससे मिस यामिनी, ये भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे क्योंकि ये उनका नाम है. ओके, तो किसी का भी नाम हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट स्टॉप, क्योंकि ये स्टेटमेंट है. देन व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? सी दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. ओके, क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. वी प्ले चेस एंड बैडमिंटन. यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि हम चेस और बैडमिंटन खेलते हैं. सो दिस इज द स्टेटमेंट, वी प्ले चेस एंड बैडमिंटन. तो क्या आएगा? फुल स्टॉप. नाउ व्हाट आर योर अदर हॉबीज. तुम्हारे और हॉबीज क्या है? दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, What are your other hobbies? क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. Now the 14th sentence. We practice martial arts and classical dance. क्या बोला उन्होंने कि हम we practice martial arts and classical dance. ये स्टेटमेंट है, तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ कि हम मार्शल आर्ट्स और क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस करते हैं. Now the last sentence, it was nice meeting you. This is the statement, it was nice meeting you. ये क्या है? Statement है कि यहाँ पे क्या आएगा? Full stop. Okay. So students, you will understood this how to make the right sentence. Okay, with the punctuation. Means right sentence हम कैसे write कर सकते हैं? Start with the capital letter, ends with the full stop, or If there is a question, तो हम question mark से उसे stop करेंगे. Okay? और कोई भी किसी का नाम होगा, means उसको हम proper noun कहते हैं, वहां पे हम capital letter ही use करेंगे. किसी का भी नाम, place का हो या फिर किसी person का नाम हो, तो वहां पे हम वो जो letter, उसका नाम जो होता है, वो capital letter से ही start होगा. So, hope students, you will understood this well. Now you have to write in your grammar magic book. Okay. Till then, thank you.